For more details, subscribe our channel and please hit the bell icon so you never miss an update from Top News. सबसे पहले घर में एंट्री, उसके बाद गलत तरीके से आशीर्वाद और फिर नारा के साथ बीच बीच में गलत हरकतें करना, सब कुछ पुरु मामा को महंगा पड़ने वाला है, क्योंकि नायरा को सब कुछ याद आ रहा है। नायरा को जब ये एहसास हो चुका है कि अब तक जो पुरु मामा के बारे में वो सोच रही थी वो बिल्कुल बिल्कुल गलत था, यानी कि बीच बीच में जो उसके दिल में ख्याल आता था कि पुरु मामा एक अच्छे इंसान है, वो ख्याल बिल्कुल गलत था। असल में तो उसकी फर्स्ट फीलिंग पुरु मामा को लेकर बिल्कुल ठीक थी। वो एक गलत इंसान है जो कि उसके साथ कुछ बहुत गलत करना भी चाहते हैं, लेकिन नायरा का ये सेंस उसे अब बचा लेगा, क्योंकि नायरा ने पुरु मामा के सामने भी ये सच बता दिया है कि अब वो उनकी पूरी सच्चाई जान चुकी है। नायरा ने उनकी बेटी के सामने भी ये कह दिया है कि इन्होंने मेरे साथ जो करने की कोशिश की है वो बहुत गलत था और ऐसा कोई रिश्तेदार नहीं करता है, ना ही वो इंसान जो कि किसी का बाप हो। तो ऐसे में पुरु मामा बाप कहलाने के लायक भी नहीं है, ये बात नायरा ने सबसे कह दी है। खैर, हम आपको ये बता देते हैं कि घर वालों के सामने सच लाने के लिए नायरा बेताब है। उसने ये भी कह दिया है कि वो खुद अब एक एक इंसान को आपका असली चेहरा दिखा देगी पुरु मामा। लेकिन क्या करेंगे पुरु मामा? क्या अपने आप को बचाने के लिए वो कार्तिक और नायरा के बीच में फूट डलवा देंगे? क्या नायरा कार्तिक फिर से किसी और की वजह से दूर हो जाएंगे, या फिर कार्तिक हर बार की तरह इस बार अपनी नायरा का साथ देगा और पुरु मामा के खिलाफ मिलकर ये दोनों आवाज उठाएंगे? सब्सक्राइब करें हमारा चैनल टॉप न्यूज जस्ट फॉर यू, ताकि हम आप तक पहुंचा सकें बहुत सारी अपडेट्स। टॉप न्यूज की रिपोर्ट। फॉर मोर डिटेल्स सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्लीज हिट द बेल आइकन सो यू नेवर मिस अपडेट फ्रॉम टॉप न्यूज़।